अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी तरफ़ से मेरी YouTube फैमिली को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। हैप्पी ईद टू एवरीवन। और बहुत रमज़ान गुजर गया, इसका अफसोस भी है, पर ईद की एक अपनी खुशी भी होती है। और इंशाल्लाह अगले साल फिर से रमज़ान आएगा। तो ये चांद रात की वीडियो थी। चांद रात को मैं सबसे पहले इफ्तार के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं चले शीर खुरमा बना करके रख देती हूँ, क्योंकि आप दूसरे दिन का काम जितना आज के दिन कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है मैं कुछ चीज़ें आज बना करके रख दूँ, जैसे स्वीट है वो मैं फ्रीज करके रख सकती हूँ, नेक्स्ट डे आप उसको ख़राब नहीं होता। और कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट डे उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, वो फ्रेश ही अच्छे लगते, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट डे ईद के दिन ही बनाना पसंद करती हूँ। पर शीर खुरमा ऐसी चीज़ है जो मैं रात को ही बना के रख देती हूँ। और फिर सबको सुलाने के बाद मेरा सबसे फेवरेट काम है कि मैं ही ना अप्लाई कर लेती हूँ। और जब सुबह सो गए हैं, बच्चे सो गए, यजान को भी स्लिप करा दिया मैंने, तो मैंने इत्मीनान से मैं इसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ कि एटलीस्ट वन हैंड में तो मैं ही ना लगा लूँ, क्योंकि अगर ईद में हाथों में मेहंदी नहीं आती है तो मुझे फीलिंग नहीं आती है कि ईद है। और जैसे बच्चे अगर कुर्ता पैजामा ना पहने ईद के दिन तो फीलिंग नहीं आती है कि आज ईद है। तो उस तरह से मुझे ही ना भी मीन्स कि हाथों में अगर मेहंदी लगी है तो मुझे लगता मुझे फील अच्छा आज लगता है कि आज ईद है। तो इसलिए मेरे लिए मस्ट होता है कि किसी भी तरह से मैं कोशिश करती हूँ, कितना भी लेट हो जा रहा है तब भी मैं एटलीस्ट थोड़ी सी मैं हीना अप्लाई कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जैसे भी मैं लगा लेती हूँ अपने हैंड से, और एक हैंड में मैं लगाती हूँ, एक हैंड को मैं फ्री रखती हूँ कि दूसरे कामों के लिए, क्योंकि बच्चों की वजह से आपको काफ़ी काम होते हैं, तो मैं दोनों हाथ मैं हीना नहीं लगा सकती हूँ। तो सुबह ये 4 बजे, क्योंकि यहाँ पर 5:30 पे ही यहाँ पर आफ्टर फजर सीधे यहाँ पर ईद की नमाज़ हो जाती है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग होती है। तो सुबह 4 बजे बच्चों को उठा करके और मैंने रेडी करना शुरू कर दिया था कि अफान को तो हम लोगों ने बोला था कि नहीं जाना है तो कोई प्रॉब्लम, पर अफान भी ज़िद रहता है कि नहीं मुझे भी जाना है और मैं भी जाऊंगा ईद की नमाज़ पढ़ने की। तो अच्छी बात है, अच्छी आदत है बच्चों की। और माशाल्लाह देखिए सुबह सुबह 4 बजे सबने बाज भी ले ली और इतने माशाल्लाह क्यूट लग रहे हैं। और बच्चों पे ना ईद के दिन कुर्ते पजामे और टोपियाँ यही अच्छी लगती, इसमें ही ये क्यूट लगते। आज के दिन जीन्स टी शर्ट्स मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, अपने जो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं इनका बात ही अलग होती है। फिर ये सुबह सुबह सब तैयार होकर के परवेज़ तो फजर की नमाज़ भी पढ़ने गए थे मस्जिद में, तो फजर की नमाज़ जब तक पढ़ के वापस है तब तक बच्चे रेडी हो गए थे, और माशाल्लाह दोनों रेडी होकर के पापा के साथ रेडी हैं जाने के लिए। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी, दोनों बहुत एक्साइटेड होते, हम भी बचपन में बहुत एक्साइटेड होते थे, रात भर नींद नहीं आती थी कि सुबह ईद है, तो वैसे ही बच्चों की भी हालत रहती है, नींद नहीं आ रही है और सुबह ईद के लिए जाना है। और अभी यहाँ पर नमाज़ें जयनमाज़ आपको ले के जानी पड़ती है नमाज़ के लिए, तो इसीलिए सब ने अपनी अपनी जयनमाज़ें ली हुई हैं। जब से कोरोना पीरियड आया है ना तब से ये हो गया है कि मस्जिदों में वैसे कालीन्स रहते हैं, पर तब भी आपको अपनी पर्सनल जयनमाज़ लेके जानी है। ये अच्छा भी है एक तरीके से, और हाइजीनिकली देखें तो अच्छी भी बात है। तो इस वजह से सब अपनी अपना कैरी किए हुए हैं। और ये आफान बेचारा सबसे हैवी वाली लिया है जो उसको वो संभाल भी नहीं पा रहा है, मेरा क्यूटू सा बेटा। और देखिए अभी इतना मीन्स की सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, 5 बज रहे हैं, तो हल्की सी ही रोशनी हुई है। वही बच्चे भी कह रहे थे मम्मा अभी तो बिल्कुल डार्क है, नाइट है, उनको भी नहीं एहसास है कि नहीं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पर नमाज़ हो जाती है ना, तो इस वजह से बाहर इतनी रोशनी नहीं है। पर हल्की हल्की देखिए रोशनी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि 5:10 5:15 हो रहे थे ऑलमोस्ट, 5:30 पे यहाँ पर नमाज का टाइम था, तो इस वजह से एटलीस्ट थोड़ा सा पहले पहुँचे, वरना मस्जिद में फिर प्लेस नहीं मिलेगी और बैठने की जगह अगर प्रॉपर ना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। وصححه الألباني أيها المسلمون إن قطيعة الرحم والتهاجر بين المسلمين ذنب عظيم ومن أسباب عدم رفع الأعمال। सबके जाने के बाद फिर मैं डेकोरेशन का सामान लाई थी अलबासिम से, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगा दूँ। और ये देखिए मेहंदी का कलर कितना प्यारा आ रहा है और बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है मेहंदी का, धीरे धीरे ये चढ़ रही है और चढ़ जाएगी। ये माशाल्लाह देखिए तीनों बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं वाइट वाइट कुर्ते पिजामे में। इस साल यजान की ये सेकेंड ईद है, वैसे लास्ट ईयर तो ये बहुत ही छोटा था, और अभी देखिए अब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब ये हाई चेयर पे इनके चढ़ने की ये स्टाइल आप लोग चेक करें कि ये साइड से इसको बैलेंस मिल जाता है, और ये अभी तो पैजामा पहनना है थोड़ा सा इसको स्लिप हो जा रहा है, पर इसकी ये आदत हो गई है कि इस पर ये चढ़ के बड़े आराम से इत्मीनान से बैठ के अंदर जा कर के बैठा रहता है। पहले तो जब बैठने की एज थी तब इन्होंने हाई चेयर यूज़ नहीं की है और इस पर क्राई करने लगते थे,
हैं और आप जब इनको बैठने का कोई वो नहीं है तो ये खुद आराम से इत्मीनान से बैठते हैं मिस्टर। और ये देखिए इतने प्रॉपर वे से ये चढ़ा और फिर चढ़ के इसने कुछ डर भी नहीं लगता है कुछ भी नहीं, क्या कह सकते हैं बच्चों की हरकतें हैं। ये रही मेरी ईद की ड्रेस और ये मैंने ली थी और काफ़ी देर जगह चेक करने के बाद फाइनली मुझे ये पसंद आई थी। इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत हैवी नहीं है, मुझे बहुत हैवी ड्रेस नहीं चाहिए थी, ऐसी कैजुअल टाइप्स की हों कि मैं बाद में भी उसको यूज़ कर सकूं। तो और ये मुझे 165 रियाल में मिली थी और बहुत ही अच्छी ड्रेस उनके पास रहती हैं और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल रहता है। तो विद स्टिचिंग आपको 165 में मेरे ख्याल से बेस्ट था और कलर भी अच्छा था और अभी जो चल रहे हैं फैशन में वही हैं उसी तरह का है। थोड़ा सा मैंने इसकी फिटिंग कर दी थी, फिटिंग बहुत ही ख़राब थी इसकी, तो थोड़ा रेडीमेड में कभी भी अच्छी फिटिंग नहीं आती है, तो इसको मैंने खुद ही फिटिंग भी दे दी थी तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छी फिटिंग भी हो गई थी, तो इसकी वजह से इसका लुक भी परफेक्ट आ गया जैसा था ये। और ये देखें फाइनली मेरी मेहंदी बिल्कुल अच्छे से इसका कलर आ गया है और बहुत ही प्यारा कलर आया था। मैंने लुलू से ही मेहंदी ली थी और ये 4 रियाल 15 हलाला की थी, पर माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत अच्छी मेहंदी मैंने लगाई भी है आज। और फाइनली किचन में रेडी होने के बाद आपका काम शुरू हो जाता है, जो सारे काम बचे हुए थे फिर उनको मैं शुरू कर दिया उसको करना। वह दही वड़े मैंने बना के सब रखे हुए थे, शाही टुकड़े के सब सिर्फ असेंबल करना था, तो सब आने का वो हो रहा था तो मैंने सोचा अभी इसके भी काम शुरू कर दूं। और दही वड़े को मैंने प्लेट में करके फिर उसका दही का जो भी था सब अपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जितने काम होते जाए ना उतने काम करते जाए, क्योंकि अभी मुझे बिरयानी भी बनानी थी तो मैंने सोचा ये सारे स्नैक्स वाले जो आइटम्स होते हैं ना दही वड़े शाही टुकड़े छोले, तो ये सबको मैं धीरे धीरे ख़त्म करती चली जाऊँ ताकि मैं फिर बिरयानी की उसके स्टार्ट कर सकूँ। तो ये दही को मैंने फेट करके खूब अच्छे से उसमें जो भी चीज़ें डाली जाती हैं उन सबको डाल करके मैंने उसको प्लेट में वो कर दिया ताकि दही वड़े अच्छे से उसमें मिल जाएँ, क्योंकि ऐसे तो वड़े पड़े ही रह जाते हैं, जब वो दही में डाले जाते हैं तभी उनका अच्छे से टेस्ट आता है, अंदर तक दही चली जाए तो भी टेस्ट आएगा। तो इस वजह से इसको भी मैंने जल्दी जल्दी अकेले मुझे ना मेरे सारे काम मुझे ही करने हैं, ये छोटे काम भी कोई नहीं करवा सकता है तो सारे मुझे ही को करने पड़ते हैं ना, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक एक काम होते जा, और अभी लोग आने वाले हैं, परवेज़ के काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो उनके आने का भी हो रहा था कि काफ़ी लोग आ रहे हैं तो उसका भी मुझे सारा सेटअप करना था कि मैं सब उनके आने से पहले मैं अरेंज कर दूँ, ये ना हो कि वो आके बैठे हुए हैं उसके बाद मैं सारी चीज़ें ले लेके उनके सामने जा रही हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और ये इस वजह से ये होता है कि आप प्लेस आउट कर दें पहले से ही, तो कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे एक एक चीज़ ले करके वहाँ पर सेंड नहीं करनी पड़े, तो इसलिए मैंने सब चीज़ें करना शुरू कर दिया। ये दही वड़ों को मैंने अच्छे से रख दिया उनके ऊपर और फिर चटनी मैं अभी नहीं डाल रही थी क्योंकि जब उनके आने का पता होगा तब मैं चटनियाँ डालूंगी। और फिर शाही टुकड़े को भी मैंने सारे टोस्ट करके रखे हुए थे और सिर्फ इनको डिश आउट ही करना था, तो मैंने शाही टुकड़े को तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रही थी क्योंकि बहुत पहले से रख के मैं उसको ख़राब नहीं करना चाह रही थी, पर थोड़े से क्रिस्पी टाइप के हो रहते हैं तो इतनी जल्दी वो ख़राब तो नहीं होते हैं, शाम तक ही इनका वैसे ही मज़े रहेंगे। पर सुबह अभी ये अराउंड 8 o'clock का टाइम है तो बहुत ज़्यादा अब क्योंकि हम लोग 4 o'clock के उठे हुए हैं तो आज सुबह के 8 बजे भी काफ़ी लेट लग रहा है कि यही हो रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए तो टाइम का पता नहीं चलेगा, कभी कोई भी आ गया तो फिर मैं उनके सामने फिर मैं रेडी करूँ सारी चीज़ें तो ख़राब होगा। तो ये सारे मैंने शाही टुकड़े का भी शुरू कर दिया और इसका मैंने शीरा भी बना के रखा हुआ था और इसका ये रबड़ी वाला था तो मैंने सब इसका प्रिपेयर हर चीज़ करके मैं पहले से ही रखी हुई थी, सिर्फ इनको मैं से डिश आउट नहीं करा था मैंने, तो मैंने वही फाइनली फिर सबका करना शुरू कर दिया था। और ये शीरा मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है तो शीरे को मैंने उस पर डाल करके फिर सारी रबड़ी जो भी बनाई थी मैंने सब उसको फिर मैंने फाइनली उस पर कर दिया डिश आउट ताकि वो भी शाही टुकड़ा भी उसमें थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए और फिर तभी उसका टेस्ट आएगा जब वो अच्छे से रबड़ी में मिला रहेगा। और इस बीच देखिए आप यजान के काम, उनको मेरे हील्स मिल गए हैं, वो उसको पहन करके आप देख सकते हैं बच्चों की भी हरकत। तो कैसे पहनेगा? यजान टूट जाएगा पैर। देख आज मेरी खत्म हो जाएगी। Look at him! Look at him, no more! Oh!
मस्ती हो गई, फिर उसके बाद फिर बैक टू वर्क, सारे काम आपके फिर से शुरू हो जाते हैं। इधर मैंने छोले जो हैं मैंने बना के रखे हुए थे, तो उसको मैंने फ्राई नहीं किया था मसालों में, तो मैंने फाइनली दही वड़े शाही टुकड़े से फ्री होने के बाद मैंने चले और मसाले मैंने फ्राई करके फिर उसको छोले को मैंने सोचा उसमें भून के अच्छे से मैं उसको भी रेडी कर दूँ। तो मेरे शीर खुरमा तो मैंने एक दिन पहले ही रेडी कर दिए थे, फिर शाही टुकड़ा और दही वड़े भी हो गए थे, ये छोला बचा था, तो मैंने सोचा चलो छोलों को भी फुर्सत करके फिर मैं बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, ताकि और बिरयानी में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो बिरयानी की तो वीडियो मैंने बना ही नहीं पाई क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप कितनी खाने की वीडियो बनाएंगे, तो फाइनल लुक मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये बिरयानी थी मेरी। और मैंने और जब सर्विंग की ना मैंने तब भी मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे सारे जेंट्स बैठे हुए थे और इतनी रश में चली गई बाउल्स की, मैं तो उस वक्त वीडियो बना ही नहीं पाई। मैंने सोचा चले आप लोग के साथ मैं मेन बिरयानी ही शेयर कर लेती हूँ। It's falafel. Thank you. It's Mubarak. And who will take the chocolate? Who will eat the chocolate? Okay, it's both of you, okay? Share each other. Okay? Wait a minute. Okay. Is this like a... It's chocolate for you. Share, okay? Share with Afan. Share? Yes. It's Mubarak. जा रहे हैं बाहर। तुम कहाँ जा रहे हो? किधर? ये जान पीदी नहीं चाहिए। ये जान यू वांट ईदी? देखो। लुक। वन रियाल देना था उसको। उससे कम था ही नहीं। लुक। बच्चों को ईदी से ज़्यादा चॉकलेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस बार परवेज़ ने वही कहा कि नहीं बच्चों को इस बार चॉकलेट्स भी ला के देते हैं। और यहाँ का ट्रेंड भी है, यहाँ पे ईदी में ना चॉकलेट ज़्यादा दी जाती है, तो इन्होंने कहा कि नहीं इस बार चॉकलेट्स लाते हैं, बच्चों को चॉकलेट्स देते, तो इस बार बच्चों को ईदी के साथ चॉकलेट्स भी मिल गई। चलिए आइसिंग ऑन द केक हो गया। और यजान को देखें, यजान को 5 रियाल्स मिल गए हैं और वो अब मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, फाइनली वो अपनी चॉकलेट्स खुद ले लेंगे। और जैसे ही मनी उसको सिर्फ ये रहता है कि नहीं बस डोर ओपन करो वो बस निकल लें और घूमने वो निकल लेंगे। बहुत ज़्यादा आउटिंग का भी इनको ज़्यादा शौक हो गया, मेन डोर पर तो हमेशा ये खड़े ही मिलते हैं कि बस सिर्फ ये निकल रहे हैं। लुक, हाँ खूब अच्छे से निकली। Look at this, Afan's card. Huh? This one you made it in a school, huh? Masjid. You have made it, Marshall. Look at this one. And what is this, Afan? Wow. A moon and a flower and a stars. Stars. Happy Eid, Afan has written also. Happy Eid, Marshall. It's a beautiful card, Afan. How you did that? I can do anything. Marshall. और ये रहे माशाल्लाह मेरे सारे डिशेस मैंने रेडी कर दिए थे, शाही टुकड़ा, दही वड़ा, शीर खोरमा और छोले। और इस टाइम तक मैं बिरयानी डिश आउट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो दम पे रखी हुई थी, और ये मैंने फाइनली वीडियो बना ली थी, तो सो सॉरी। और उम्मीद करती हूँ कि सबको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, हमारी ईद की प्रिपरेशन, हमारी ईद की वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया है बस इसी तरह करते रहें।